हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेलर अप। एंड गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाओ जो कंपनीज फ्रेशर को लेती है। हमने कोर्स तो कर लिया है पर हमारे पास जॉब नहीं है। हमने डेक कैडेट किया है, इंजन कैडेट किया है, जीपी रेटिंग किया है, सीसीएमसी किया है, पर हमारे पास जो है वो भी जॉब नहीं है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे और ऐसी कंपनी है जिसके पास जॉब अभी आई हुई है। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर है उनके पास जॉब नहीं है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनर्जी मैरिन ग्रुप के बारे में, जिसके पास 2022 जॉब एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया, उसका डेट अनाउंस कर दिया है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि सिनर्जी मैरिन ग्रुप का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि, और एग्जाम की फीस कितनी रहेगी, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सिनर्जी एग्जाम डॉट एक्सेल इंडिया डॉट कॉम। सर्च करने के बाद गाइस, आपके सामने जो है वो सिनर्जी जॉब एग्जाम का मेन लिंक है जो वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे दाईं साइड देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन एंड साइन अप। अगर गैस आपने ऑलरेडी साइन अप किया तो आपको लॉग इन करना है, अगर आपने लॉग इन या साइन अप नहीं किया तो गैस आपको सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है। और साइन अप करने के लिए गैस सबसे पहले गैस आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है। फिर आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके गैस आपको आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद गैस आपको यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टूड द एग्री गाइज आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने का योर अकाउंट हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर अकाउंट इज करंटली इनवाइटेड टू बी, आपको ये सारा गाइज वो लिंक है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो गाइज डायरेक्टली आपको आपकी ईमेल पे जाना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट वेरिफिकेशन सिनर्जी की ओर से एक ईमेल आया है। तो गाइज वहाँ पे भी जाके मेरे को क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा प्लीज नोट योर ईमेल एड्रेस यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो एंड यू मे बी डायरेक्टली लॉग इन एंड स्टार्ट फिलिंग फॉर्म टू क्लिक हियर। तो गाइज सिंपली मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो सिनर्जी एग्जाम की जो प्रोफाइल है वो मेरी ओपन हो चुकी है। तो गाइज जो भी यहाँ पे स्टार वाले कॉलम है वो गाइज सब आपके लिए मैंडेटरी हैं, वो आपको फिल करने हैं। तो ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे अपना नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्री, एग्जाम, सारा गाइज आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद गैज आपको यहाँ पे अपना फोटो भी अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के बाद गैज आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो गैज यहाँ पे आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन सिनर्जी एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो चुका है मेन। तो गैज आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे डीएनएस स्पॉन्सरशिप की डेट है और जो डेक कैडेट, इंजन कैडेट, जीपी रेटिंग, एसएससीएमसी, जिन्होंने जो भी कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो गैस उनके एग्जाम का भी डेट यहाँ पे नीचे मेंशन है। तो गैस आपको ये पढ़ लेना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो गैस डेक कैडेट, इंजन कैडेट, जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, इन सब के लिए गैस जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी गैस सारा मैंशन है। तो गैस आपको उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, सारा वहाँ पे मैंशन है प्रॉपरली। इसके बाद गैस आपको रजिस्टर फॉर सिनर्जी एग्जाम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपकी डेक कैडेट कोर्स का एग्जाम करना होगा तो उसको ब्यू डिटेल आपको वहाँ पे जाकर क्लिक करना है। उसका फीस गाइज आप 1500 रुपये है प्लस जीएसटी है। अगर आपको इंजीनियर गाइड का करना है तो गाइज इंजीनियर गाइड के लिए सेम फीस है विद जीएसटी, जीपी टिंग वालों के लिए वैसे सेम है, और डीएनएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और जीएमई एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सेम है। तो गाइज हमें जीपी रेटिंग करना है तो गाइज आपको यहाँ पे सिंपली जीपी रेटिंग पहले क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है To apply this test, you should be have to born after 1st January 1998. मतलब अगर आप जनवरी 1998 से पहले की यानी कि 1997 की हो तो गैस आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स तक है, ठीक है। तो अगर आप 25 ईयर्स से अबव हो चुके हो तो गैस आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गैस जीपी रेटिंग का एग्जाम फिल करने के लिए यहाँ पे गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे यू शुड हैव बोर्न आफ्टर, ये गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यू शुड हैव स्कोर 50% इन क्लास 10th, यू शुड हैव कम्प्लीट टू पीसी ट्रेनिंग कोर्सेज और न्यूयॉर्क अभी चल रहा है, ठीक है। ये गाइज आपका सारा
रहेगा इसका इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहेगा वो सारा यहाँ पे मेंशन है। देखो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एट योर रजिस्ट्रेशन टेस्ट सेंटर। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम होगा वो गाइज आपका ऑनलाइन होगा और द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 3 आवर। आपके जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो गाइज 3 घंटे का रहेगा। एग्जामिनेशन विल बी कंपेयरिंग टू 200 MCQ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे गाइज उसमें आपका, ठीक है, और इच मार्क्स आप करेक्टली, अगर आपका आंसर सही होता है तो गाइज आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा रॉन्ग आंसर का। ठीक है, ठीक है, इसमें सारा बताया गया गाइज कौन कौन से सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस तरह क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होंगे गाइज आपके 200 और टाइम रहेगा 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन ए में आएगा नेविगेशन आएगा, कार्गो हेल्डिंग एंड सेफ्टी आएगा। ठीक है, सेक्शन बी में आएगा आपका मशीनरी ऑपरेशन वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस एंड सेफ्टी, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन सी में आएगा गाइज आपका इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इसमें गाइज आपका 100 बेसिक नॉर्मेरिकल रीजनिंग, पैटर्न रीजनिंग, प्रोग्राम रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड मैकेनिकल रीजनिंग, एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये गाइज एलिजिबिलिटी और इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है तो जीपी रेटिंग के लिए। तो गाइज इस तरह का आपको सिलेबस रहेगा जीपी रेटिंग एग्जाम के लिए। और गाइज इसी तरह आपको आपका जो, अगर आपको इंजन गाइड के लिए अप्लाई करना है तो गाइज आपको इंजन गाइड पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। मुझे जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई नाउ इसके लिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि गाइज मेरा एज जो वो 25 ईयर्स से अबव हो चुका है। अगर गैस आपका एज 25 ईयर से अबव है तो गैस आपको भी अप्लाई नाउ शो नहीं होगा क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई नाउ जो है वो शो होगा। तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंजन क्रेडिट एग्जाम के लिए, तो मैं गैस आपको इंजन क्रेडिट का अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बता सकता हूँ कि आपको जीपी रेटिंग और डीएनएस के नहीं डेक क्रेडिट का एग्जाम कैसे फिल करना, सेम सबका फॉर्म जो वो फिल सेम रहेगा। तो गैस मैं आपको इंजन क्रेडिट के एग्जाम पे क्लिक करके आपको अप्लाई करके बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे आप ओपन करोगे तो आपका एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में गाइज आपको सारी डिटेल्स फिल करने हैं, जो भी स्टार वाले कॉलम हो आपके लिए मैंडेटरी है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद गाइज आपका कम्युनिकेशन लिखा है जिसमें आपका एड्रेस रहेगा, वो आपका सारा आपको वो फिल करना है। इसके बाद गैस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जैसे डेक ग्रेड किया, इंजन ग्रेड किया, जीपी रेटिंग किया, वो भी आपको डालना है। प्लस 10th में और प्लस 2 में कितना आपका एग्जामिनेशन का स्कोर था वो आपको सारा गाइज आपको फिल करना है। इसके बाद गैस आपको पे पे क्लिक करके गैस आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म जो वो, तो गैस इस तरह से आप अपना डेक ग्रेड एग्जाम, इंजन ग्रेड और जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, इन सब का गैस अपना एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी गैस फीस जो वो 1,500 रुपीज़ है प्लस GST, यानी कि 1,800-1,900 रुपये तक गैस आपका जो फीस जाएगा इस एग्ज़ाम का। बट गैस सिनर्जी में अगर आपको जॉब मिलता है तो बहुत अच्छा है। सिनर्जी के पास बहुत से टैंकर वैसल है, नंबर 1 कंपनी है गैस इस टाइम इस टैंकर के मामले में। तो गैस आप इस तरह से अपना जॉब एग्ज़ाम का अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो जीपी रेटिंग के लिए, इंजन क्रेडिट के लिए, टैंक क्रेडिट के लिए। और सिनर्जी मैरिन ग्रुप गाइस बहुत अच्छी कंपनी है, आपको इस कंपनी के पास ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, इवन आपको इस कंपनी के पास बल्क कैरियर वेसल मिलेंगे, मतलब हर तरह के वेसल जो आप आपको इस कंपनी के पास मिल जाएंगे। और सिनर्जी मैरिन ग्रुप बहुत अच्छी कंपनी है गाइस, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से बेस्ट कंपनी है, और टैंकर्स के मामले में बहुत बड़ी कंपनी है सिनर्जी ग्रुप्स। अगर गाइस आपको इस कंपनी में जॉब मिलता तो अच्छा है। और इस कंपनी के ऊपर गाइस मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो गाइस वहां से जाके आप इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना था। अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।